बोर्डिंग क्लास 7+8 हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। आज हम बात करेंगे जो दोनों चीज के लिए कॉमन है, राइट फुल फॉर्म फॉर द फॉलोइंग। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो आप उसकी फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। शुरुआत करते हैं सीवी। सीवी क्या होती है? कॉम्पैक्ट एंट्री। देखिए इसका नाम ही पढ़ लेते हैं, सीवी होती क्या है? ट्राई डायग्राम ऑफ सीवी। आपको सीवी का डायग्राम बनाना है। यह है आपकी सीवी। सीवी को तैयार किया गया था 17 अगस्त 1982 यानी 1982 में बनाया गया जर्मनी के अंदर। कंपनी का नाम है आपकी फ्री। सीवी को जब बनाया गया 17 अगस्त 1982 में जर्मनी के कंपनी है फिलिप्स द्वारा बनाया गया। सीवी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते थे। इसमें लगभग 650 से 700 MB तक डाटा स्टोर हो सकता था। लगभग 70 से 80 मिनट तक हम उस डाटा को देख सकते थे, जो उसकी ड्यूरेशन थी 70 to 80 मिनट तक की थी। क्लियर? ये कैसी थी? मूवेबल डिवाइस थी, यानी हम इसको मूव कर सकते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये है आपकी सीढ़ी। सीढ़ी में ये जो देख सकते हैं, ये होता है आपका हार्डवेयर। यानी जो सीढ़ी होती है ये आपकी हार्डवेयर है, और जो आप जो शाइनिंग प्लेट देखते हैं वो होती है आपकी सॉफ्टवेयर, जिसमें कोई भी डाटा स्टोर आपका होता है। सेकेंड है आपका डीवीडी। डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसमें सीडी की अपेक्षा ज्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। दोनों का काम एक ही है, डाटा को स्टोर करना। थर्ड है आपका ALU। ALU क्या है? ALU, MU एंड CU। ये तीनों क्या है? कंप्यूटर की CPU के पार्ट है। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इसका काम होता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस करना। MU मेमोरी यूनिट। इसका काम होता है मेमोरी जो होती है, यानी कितनी आपकी स्पेस है, जो भी डाटा होता है उसको सेव करना मेमोरी के अंदर। कंट्रोल यूनिट। उसमें क्या है? दिए गए डाटा के ऊपर नियंत्रित करती है, वो होती है आपकी कंट्रोल यूनिट। उसके बाद करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS। इसका काम होता है ऑपरेट करना, यानी विंडो क्या आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिए गए डाटा को ऑपरेट करना। इसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। ये इंटरफेस होता है यूजर के और कंप्यूटर के बीच का। PC। PC क्या है? आपकी पर्सनल कंप्यूटर, यानी जिसको हम घर के अंदर यूज करते हैं। आप जो देखते हैं स्कूल कॉलेज सभी जगह पर्सनल कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं IPO यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये क्या है? कंप्यूटर को चलाने का नियम। इनपुट होता है कंप्यूटर को काम देना, प्रोसेस होता है काम करना, और आउटपुट होता है दिए गए काम को वापस लेना, वो है